रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वर्हेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई 1994 है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का करैक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है नाइनटीन नाइन्टी फोर में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है च रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख वोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को 86 परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी जरूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को Netflix के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो Netflix पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए बाय okay, जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वरहैडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई 1994 है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और स्टेट ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोर्ड्स मिले हैं आईएमडीबी पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वर्हेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवैक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया, किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 29 जुलाई नाइनटीन नाइन्टी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन सौ इकवंजा पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायस ने टीना कैराइल का करैक्टर निभाया है और स्टेट मैटासिना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वेरहेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एमी जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का नतीस जुलाई 1994 है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासिना ने निको का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वर्हेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया, किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई 1994 है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का करैक्टर निभाया है और मैटासना ने निको का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख वोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी जरूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो Netflix पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वेरहेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरान डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं माइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी दे एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन नाइनटी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को एटीन से लेकर ट्वेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख ,00 बोर्ड्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वर्हेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवैक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया, किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन नाइन्टी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायज ने टीना कैराइल का करैक्टर निभाया है और मैटासना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है चक रसन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फ़ैन वेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वेरहेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है तो बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरान डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन नाइनटी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज़ में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासिना ने निको का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी जरूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वरहैडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया, किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई 1994 है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है नाइनटीन नाइन्टी फोर में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आईएमडीबी पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी जरूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को Netflix के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो Netflix पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वेरहेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है तो बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरान डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं माइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमैटोग्राफी किया है आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज़ में वर्जन्स भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ डाइज ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो Netflix पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वर्हेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन नाइन्टी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन सौ इकवंजा पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायस ने टीना कैराइल का करैक्टर निभाया है और मैटासिना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख ,00 बोर्ड्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियो के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वर्हेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरान डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी तो की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी तो किया है आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का नतीस जुलाई नाइनटीन नाइन्टी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी ऑफिशियल या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को एटीन से लेकर ट्वेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायस ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासिना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन वेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वेरहेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है तो बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरान डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन नाइन्टी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को एटीन से लेकर ट्वेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासिना ने निको का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लाख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो Netflix पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वेरहेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरान डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जोहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 29 जुलाई नाइनटीन फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जन्स भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासिना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आईएमडीबी पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वर्हेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जोहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया, किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन नाइन्टी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायस ने टीना कैराइल का करैक्टर निभाया है और मैटासना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियो के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन वेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वेरहेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन नाइनटी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को एटीन से लेकर ट्वेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ इकवंजा पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायज ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख ,00 बोर्ड्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वरहैडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवैक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जानी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया, किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का 29 जुलाई 1994 है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख वोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को 86 सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वरहैडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं माइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन नाइन्टी फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को एटीन से लेकर ट्वेंटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासिना ने निको का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लाख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी wiki स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वरहैडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवैक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जन्स भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन सौ इकवंजा पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायज ने टीना कैराइल का करैक्टर निभाया है ऑरस्ट एट मैटासिना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आईएमडीबी पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब कि फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वेरहेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरान डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमैटोग्राफी किया है जोहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई नाइनटीन फोर है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का एक सौ एक मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जन्स भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ डाइज ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवी से देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी जरूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओर प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so, आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फैन वेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वर्हेडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवेक देखने को मिलेंगे रिचार्ड चैनी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई 1994 है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का करैक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का करैक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का करैक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का करैक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है च रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख वोट्स मिले हैं आई पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को 86 परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक किलियों के जय हिंद वंदे तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मास्क मूवी के बारे में यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफी लोग द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है इस मूवी का सो अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द मास्क मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर आपको मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे एंड आपको बताने वाले हैं कि कितने बजट में द मास्क मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था मतलब के फुल डिटेल में आपको द मास्क मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी द मास्क मूवी को देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड क्या कुछ खास है इस मूवी में बात करेंगे इसके डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है चुक रसल ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड सिनेमा में मूवीज़ को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है द मास्क मूवी का माइक वर्ब ने स्टोरी लिखी है द मास्क मूवी की माइकल फैलन ने एंड मार्क वरहैडन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द मास्क मूवी को प्रोड्यूस किया है बॉब एगलमैन ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको द मास्क मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पीटर रेगर्ट देखने को मिलेंगे पीटर ग्रीन देखने को मिलेंगे एम ए जसवैक देखने को मिलेंगे रिचार्ड जानी देखने को मिलेंगे एंड कैमरा डायस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द मास्क मूवी में सनमाइटोग्राफी किया है जौहन आर लियोनेटी ने एंड एडिट किया, किया है इस मूवी को आर्थर कॉवर्न ने एंड म्यूजिक किया है द मास्क मूवी का रैंडी एडलमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द मास्क मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं न्यू लाइन सिनेमा डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को न्यू लाइन सिनेमा ने और रिलीजिंग डेट इस मूवी का उन्तीस जुलाई 1994 है रनिंग टाइम द मास्क मूवी का 101 मिनट है यह मूवी ऑफिशियली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस मूवी का काफ़ी लैंग्वेज में वर्जनस भी देखने को मिल जाएंगे बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द मास्क मूवी को 18 से लेकर 23 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर जिम कैरे ने द मास्क का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे मैक्स ने मिलो का कैरेक्टर निभाया है पीटर ग्रीन ने डोरियन टायरेल का कैरेक्टर निभाया है कैमरॉन डायज़ ने टीना कैराइल का कैरेक्टर निभाया है और मैटासीना ने निको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द मास्क मूवी एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है काफ़ी बढ़िया आपको यह मूवी लगने वाली है 1994 में काफ़ी हिट साबित हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे इस मूवी को सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है चक रसल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस मूवी में इस मूवी के अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को आई पर सिक्स पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैख बोर्ड्स मिले हैं आईएमडीबी पर जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एंड इस मूवी को एट्टी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक भी किया है आपको यह मूवी ज़रूर से देखना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द मास्क मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो नैटफ्लिक्स पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए के बाय जय हिंद वंदे दे